खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां कल जिले में दो बाहुबलियों की पेशी एक साथ होने से दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। बता दें कि कातिलाना हमले के 25 साल पुराने मुकदमे में शनिवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत 36 आरोपियों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए हैं। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी चौक पर 17 फरवरी 1998 की शाम लगभग 6 बजे लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रमाकांत और उमाकांत यादव को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसी बीच रमाकांत यादव तथा उमाकांत भी अपने समर्थकों के साथ वहीं आ पहुंचे। दोनों तरफ से गाली गलौज तथा क्रॉस फायरिंग होने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। इस मामले में फूलपुर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश सिंह ने रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अक्टूबर 1998 में सपा के वर्तमान विधायक रमाकांत यादव, पूर्व सांसद उमाकांत यादव, पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत 79 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजी थी। इस मुकदमे की पत्रावली कई सालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित रही। बाद में स्टे खत्म हो जाने पर 25 जुलाई 2022 को रमाकांत यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। तब से इस मुकदमे में रमाकांत यादव जेल में बंद हैं। वहीं अकबर अहमद डंपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 38 आरोपियों के विरुद्ध पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। शनिवार को इस मुकदमे में सपा विधायक रमाकांत यादव, पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत 36 आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। एमपीएमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने सभी आरोपियों पर आरोप निर्धारित किया। सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। अदालत ने गवाही के लिए अगली तिथि 9 जून को निर्धारित कर दी। वहीं शनिवार को ही एमपीएमएलए स्पेशल अदालत में रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड के दो मुकदमे में भी पेश हुए। इन दोनों मुकदमों में भी रमाकांत यादव की अब अगली सुनवाई 9 जून को होगी। पिछले साल हरोला थाना क्षेत्र के माहौल में हुई जहरीली शराब कांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग बीमार हो गए थे। शनिवार को ही एमपीएमएलए स्पेशल अदालत में रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड के दो मुकदमों में भी पेश हुए। इन तीनों मुकदमों में भी रमाकांत यादव की अब अगली सुनवाई 9 जून को होगी। बता दें कि वर्ष 1998 लोकसभा उपचुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव, बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी कई बार चुनाव में आमने सामने हुए। दोनों के बीच अंबारी में फायरिंग भी हुई थी। इस घटना के बाद लोगों को लग रहा था कि उनके बीच अदावत की खाई बढ़ गई है और वे एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन शनिवार को जब सपा विधायक रमाकांत यादव व पूर्व बसपा सांसद अकबर अहमद डंपी कोर्ट में पेश हुए, तो दोनों ही परंपरागत प्रतिद्वंदी एक दूसरे के अगल बगल ही बैठे थे। सूत्रों की माने तो वो कोर्ट में जितनी देर तक बैठे रहे आपस में बात भी करते रहे और एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी आदान प्रदान किए। रमाकांत यादव के अधिवक्ता अध्याप प्रसाद उपाध्याय ने बताया है कि रमाकांत यादव की अंबारी घटना में धारा 307 और अहरौला शराब कांड के दो मामलों में पेशी थी, जिसमें शनिवार को चार्ज बना। कोर्ट से निकलते वक्त रमाकांत यादव ने कहा कि सरकार फर्जी मामले में फंसा रही है। अंबारी फायरिंग में हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता ने कहा कि वह भी इस मामले में मुलजिम बनाए गए जब वह 18.5 वर्ष के थे। एक 307 अंबारी का जिसमें डंपी भी मुलजिम और दो अरोला थाने का जो शराब कांड है उन्हीं तीन मुकदमों में पेशी थी, तीनों में चार्ज। तो क्या तारीख 9/6 के लिए तारीख पड़ी। तो सर और कुछ रहा हो, कुछ ने कोर्ट ने आदेश दिया हो, जैसे फिर आना पड़ेगा इनको या फिर वर्चुअल? नहीं, वर्चुअल चलता रहेगा। कोर्ट बुलाएगी वही 313 बनाना होगा। अभी कल वर्चुअल होगी? फिर वर्चुअल।